हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका मैम योर टीचर फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिक्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स ऑफ क्लास इलेवंथ सो स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सो वेलकम टू द सेशन आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर इट इज इंडियाज हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ इन इंग्लिश मीडियम दैट

ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स यानी बिजनेस को अगर प्रमोट करना है नेशनल इंटीग्रेशन तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सेगमेंट की तरफ है कम्युनिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या इन्वेस्टर्स सो नेशनल इंटीग्रेशन कौन सी सेगमेंट में आता है कम्युटीज कम्युनिटी में आता है ठीक है तो आंसर होगा इसका एम्युनिटी ओके स्टूडेंट्स नाउ टू डेवलप फेथ एंड ट्रस्ट इन बिजनेस बाय अज्यूमिंग वेरियस सोशल रिस्पॉसिबिलिटी क्रिएट्स डैश फॉर द बिजनेस सो डेवलप faith and trust in business by assuming various social responsibility creates problems chaos कॉस्ट गुडविल वॉट विल बी द आंसर आंसर विल बी गुड विल है ना अगर आप कंटिन्यूअस फेथ एंड ट्रस्ट डेवलप करते हो तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ती है ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स नंबर थ्री द बिजनेस कैन इन्श्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाईप अडोप्टिंग डिफॉरेस्टेशन सीवेज डिस्पोजल इज अ टेक्नीक दैट कुड बी अडोप्टेड बाई बिजनेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑप्शन नंबर ए बोध स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बोध स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू सो फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा से परे बिजनेस कैन इंश्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय अडोप्टिंग डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड स्टेटमेंट सीवेज डिस्पोजल इज अ टेक्निक दैट कुड बी टेक्निकेड बाई बिजनेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है सो आंसर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू ठीक है फर्स्ट क्यों फॉल्स है बिजनेस कैन इंश्योर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बाय नॉट जस्ट अडॉप्टिंग डिफॉरेस्टेशन देर आर अदर एरियाज आल्सो टू लुक अपॉन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना सो सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं है और भी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर बाय अबाइडिंग द वेरियस एक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ द लॉ बिजनेस कैन अवॉइड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैन बी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू सो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा से पढ़िए बाई अबाइडिंग द वेरियस एक्ट एंड प्रोविजन्स ऑफ द लॉ द बिजनेस कैन अवॉइड गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस और ये ये है स्टेटमेंट टू की लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैन बी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना क्योंकि सेकेंड Statement में क्या मिल जाता है Farms को freedom. है है को को ठीक तभी वो होती अब किसी को नहीं पसंद होता कि गवर्नमेंट बार बार आके इंटरफेयर करे ठीक है ये भी अपन ने पढ़ा था पॉइंट नाउ क्वेश्चन फाइव मैच द फॉलोइंग मैच दर वन ऑफ माय फेवरेट चलिए मैच करते हैं हेल्पिंग पीपल अफेक्टेड बाय कैलामिटी प्रोड्यूसिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑप्शन ए है इकनॉमिक डिस्क्रिप्शनरी और फिर एथिकल सो हेल्पिंग पीपल अफेक्टेड बाई कैलामिटी किस में आएगा इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शनरी एथिकल प्रोड्यूसिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट एथिकल डिस्क्रिप्शनरी इकोनॉमिक रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट सो साफ साफ आपको पता चल गया है क्या आंसर है फर्स्ट का बी सेकेंड का ए थर्ड का सी कैसे फर्स्ट का बी सेकेंड का ए थर्ड का सी है ना सो हेल्पिंग पीपल अफेक्टेड बाय कैलामिटी या डिस्क्रिशनरी होता है ठीक हो है जो लोग कैलामिटी होगी कलामिटी हो गई जैसे फ्लड को डिस्क्रिशनरी होता है ऑन द ऑप्शन ऑफ द बिजनेसमैन ठीक है प्रोड्यूसिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट ये एथिकल मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होता है ठीक है सो ये सब चीजें आएंगी ऑप्शन नंबर डी इज द एक्यूरेट आंसर नाउ उट यानी गो ढूंढना है ethical, economical, political, discretionary. So, automatically आपको पता चल गया पोलिटिकल एथिकल इकोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन पॉलिटिकल तो आउट ऑफ दॉक्स है ठीक है नाउ नेक्स्ट पिक दिन आउट अगेन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मॉरल जस्टिफिकेशन सोशल पावर पब्लिक इमेज So, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मॉरल जस्टिफिकेशन सोशल पावर एंड पब्लिक इमेज तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ठीक है क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड हैं बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड हैं है. और वो एक अलग टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस व्हेन द रूल्स एंड रेगुलेशन आर ब्रोकन ठीक है नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर एट सबसे टफ होते हैं ना बच्चों सो चलिए असर्शन रीजनिंग देते हैं लाइक एन इंडिविजुअलो बी अ लॉयल सिटी रीजन बिजनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी सो उन्होंने बोला कि असर्शन उन्होंने डाला फर्स्ट स्टेटमेंट कि जैसे एक इंडिविजुअल है बिजनेस भी एक लॉयल सिटीजन होना चाहिए और उन्होंने इसलिए बोला कि क्योंकि बिज़नेस जो है पार्ट है सिस्टम का और वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं सो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट सही बात है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है बोथ आर करेक्ट ठीक है नाउ नेक्स्ट नाइन्थ असर्शन है बिजनेस मस्ट प्रोक्योर सप्लाईज फ्रॉम लार्ज एंटरप्राइजे बिजनेस इसको जो सप्लाइज है वो लार्ज एंटरप्राइजेस से लेनी चाहिए मस्ट ठीक है लार्ज एंटरप्राइजेस अर्निंग इकनॉमीज ऑफ स्केल आई कैन प्रोवाइड मोर डिस्काउंट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑप्शन है असर्शन ए इज करेक्ट रीजन इज नॉट असर्शन इज इन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट असर्शन एंड रीजन बोथ आर इन करेक्ट सो आंसर है बोथ आर इन करेक्ट जरूरी थोड़ी है कि आप अपने सप्लाईज लार्ज एंटरप्राइजेस से ही लो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कौन सपोर्ट करेगा जब सारी बड़ी मछलियाँ होंगी तो छोटी मछलियाँ तो बढ़ ही नहीं पाएंगी ना सिंपल सी बात है तो रीजन लार्ज एंटरप्राइज अर्निंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन प्रोवाइड मोर डिस्काउंट नहीं ये तो ये तो सेल्स इंक्रीज करने के बारे में बोला है यहाँ पर और ऊपर क्या बोला सप्लाइज प्रोक्योर करने के बारे में

जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग फेवरेट अपना रिलीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ठीक है तो आप मुझे आपको पता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होती है एयर पोल्यूशन ठीक है सीवेज डिस्पोजल इन रिवर्स वाटर पोल्यूशन यूज ऑफ लाउड मशीन्स नॉइस पोल्यूशन तो मैच कर लें सॉरी सॉरी ठीक है तो फर्स्ट का आ गया ए सेकेंड का आ गया सी एंड थर्ड का आ गया बी तो ए सी एंड बी ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो आंसर होगा बी वाला ठीक है तो इस तरह से कर लिया करो मज़ा भी आता है करने में एंड फटाफट हमारे जो ऑप्शन हैं वो मैच हो जाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाई प्लेसिंग ऑर्डर्स विद डेम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू वर्ड्स है ना अगर एक बड़ा बिजनेस एक लार्ज एंटरप्राइज छोटे एम एस एम ईज को सपोर्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स ठीक है स्मॉल स्केल सप्लायर्स को असिस्ट कर रहे हैं तो ये बिजनेस की किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की तरफ सरकार की तरफ एम्प्लॉयज की तरफ कि सप्लायर्स की तरफ ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही आंसर छुपाए स्मॉल स्केल सप्लायर्स तो सप्लायर्स की तरफ ही होगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट थर्टींथ क्वेश्चन प्रोवाइडिंग फेयर कंपेन्शन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड वर्किंग कंडीशन के बारे में बात की है तो कौन होंगे कस्टमर एम्प्लॉयज कम्युनिटी शेयर होल्डर आंसर एम्प्लॉय एम्प्लॉयज कौन होते हैं वर्कर्स होते हैं और वर्किंग कंडीशन भी उन्हीं पे लागू होती है वीडियो को लाइक किया नहीं अभी तक सो स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को लाइक करो कमेंट बॉक्स में लिखो कि येस मैम लाइक कर दिया एंड मैम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या क्या ये टफ क्वेश्चन हैं येस ये आपके टफ क्वेश्चन हैं ठीक है सो आप इनको कवर करिए अच्छे से और फटाफट जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ मुझे मेरे क्वेश्चन रीड करते ही आप आंसर नीचे लिख दिया करिए पॉज कर लिया करिए वीडियो को एंड सोचा करिए कि आंसर क्या होगा फिर लिखा करिए एंड देन फिर मेरा आंसर देखा करिए ठीक है स्टूडेंट्स तो इससे क्या होगा आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी ओके चलिए आए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैनेजर्स टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के लिए क्या बोला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड है रिक्वायर्स मैनेजर टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के लिए एक्शन देती है कि मैनेजर्स जो हैं उनकी जो नीड है उनका जो एक्शन है वो पब्लिक का गुड कर रहा है या नहीं ठीक है मान लीजिए कोई मैनेजर है ठीक है वो ऐसी हायरिंग करना है कर रहा है जो रेफरेंस या जैक से लगी है तो इट इज़ नॉट अ पब्लिक गुड बट वो प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहा है इट इज़ फॉर पब्लिक गुड ठीक है ये इसका एक एग्जाम्पल है नाउ सी एस आर इज नाउ मैंडेटरी फॉर कंपनीज विथ हाई टर्न ओवर सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रू सो आंसर है दोनों ही करेक्ट हैं तो सी एस आर बी जो सेक्शन वन थर्टी फाइव वाला क्लॉज है है ना सेक्शन वन थर्टी फाइव क्लॉज वन तो वहाँ पर मैंडेटरी बोला है टर्न ओवर लिमिट्स पर येस yes. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजर के एक्शन पर डिपेंड करता है कि वो पब्लिक का गुड कर रहा है या नहीं ये भी ज़रूरी है ठीक है सो so, दोनों ही पॉइंट्स सही है नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू डिजाइन And develop products keeping in mind the needs and requirements of the customer is social responsibility of business. Two words. Question may he answer chupai consumers. So easy question. Tha now. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन बिजनेस एंटरप्राइज है ना आप प्रॉपरली बिजनेस में एथिक्स प्रोग्राम कैसे ला सकते हो ऑप्शन ए पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑप्शन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंप्लॉयज़ ऑप्शन सी स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेजम ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाव सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंप्लॉयज क्योंकि इंप्लाइज ही क्या करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है तभी तो बिजनेस एंटरप्राइज में एथिक्स आ पाती है ठीक है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंप्लॉयज्लॉयज के बिना एक प्रॉपर एथिक्स प्रोग्राम सेट ही नहीं हो पाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गोड टू द सोसाइटी बिजनेस सक्सेस लॉज एंड रेगुलेशन एथिक्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो एथिक्स ठीक है ये एथिक्स टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड है ना क्वेश्चन एटीन कार्बन मोनोक्साइड वर्ड आए एयर पोल्यूशन लिख देना ठीक है एमिटेड बाय ऑटोमोबिल डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एयर पोल्यूशन मैंने आपको कीवर्ड याद करवाया था याद हो तो दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड ठीक है ओनर वर्कर कंज्यूमर कम्युनिटी तो कम्युनिटी एंटरप्राइज अगर एक अच्छी सिटीजन होगी तो कम्युनिटी को ही वो सर्व करेंगे ठीक है नाउ ट्वेंटी इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इट मे हैव लिटिल चांस ऑफ सक्सेस ग्रेट चांस लिटिल चांस ऑफ फेलियर नो रिलेशन विथ सक्सेस और फेलियर जो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस अगर आप फुल एंड डाइवर्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो सोसाइटी की आप ऑपरेट कर रहे हो इस तरह के इन्वायरमेंट में तो आपका सक्सेस का चांस थोड़ा सा कम होता है है ना अगर आप धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हो है ना बिजनेस में सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हो कम्यूनिटी का ध्यान रखते हो तो ऑटोमेटिकली ग्रेट चांस ऑफ सक्सेस होगा बट अभी के लिए क्या है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस क्योंकि अभी वो फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में सर्वाइव कर रहे हैं ठीक है सो इट मे हैव लिखा है उन्होंने इट मे हैव मतलब ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है नाउ ट्वेंटी वन एथिक्स डील्स विध राइट एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल किसने बोला ये पीटर एफ ड्रकर सी एस राव आर बेटी सी जाहे सो पीटर एफ ड्रकर ने ही बोला था कि एथिक्स डील्स विद राइट एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ओके नाउ नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड्स आर ट्रू ए अपर लिमिट्स ऑफ इस एथिकल आर सेट बाय इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स द लॉज ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जनरली डिफाइन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर द एक्चुअल डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इन अंडर डेवलप्ड कंट्री वुड डिटरमाइन द लोअर लिमिट ऑफ द परमिशन परमिसेबल बिहेवियर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाव सो सारे ही हैं है ना एथिकल लिमिट के जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड से ही सेट हुए हैं ठीक है थीके? जो लॉज हैं इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ के वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर का वो सेट करती है क्या सही है क्या गलत ठीक है नाउ एक्चुअल डिग्री ऑफ एन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ इन अंडर डेवलप्ड कंट्री वु डिटरमाइन द लोअर लिमिट ऑफ द परमिसेबल बिहेवियर यानी डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा जो यहाँ पर लिमिट सेट हो गई उस लिमिट को देखा जाएगा कम से कम इतना तो एथिक्स परफॉर्म कर रहे हैं ना तो बस एथिकल स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा तो ऑल ऑफ द अबाव आएंगे ठीक है यहाँ पर ये कंसेप्चुअल था ये ना हमारे बुक से रिलेटेड नहीं था ये कंसेप्ट था ये वाला क्वेश्चन ठीक है ना क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री विच स्टेटमेंट इज ट्रू फटाफट वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पर स्टूडेंट्स सो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वैल्यू गिवस रियल मीनिंग टू द टोटल इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एफर्ट टोटल इक्वालिटी मैनेजमेंट इज कॉरपोरेट मैनेजमेंट स्ट्रैटी ऑल ऑफ द अबाव सो ऑल ऑफ द अबाव सारे स्टेटमेंट सही हैं ठीक है कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं लिखी है ठीक है नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर

इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसमें प्रोफेशनल्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट थी करने की तो so फर्स्ट उनको क्या करना था ऑर्गेनाइजेशन जो क्वेश्चनेबल कैरेक्टर की थी उनसे हटना था ठीक है क्योंकि एक ऐसे इंजीनियर है प्रोफेशनल इंजीनियर तो ऐसे क्वेश्चनेबल कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन से काम करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे इसलिए वहाँ से हटना था दैट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट ठीक है फर्दर कॉज ऑफ पब्लिक गुड तो पब्लिक गुड को आगे बढ़ाना है और उसी की तरफ आगे बढ़ना है एडवाइस क्लैरिटी कॉन्सिक्वेंसिस इफ टेक्निकल ओपिनियन इज ओवर रूल्ड बाय नॉन टेक्निकल ओपिनियन तो येस ये प्रोफेशनल कंडक्ट में उनके हैं ठीक है सो so ये भी आएगा तो ऑल ऑफ दी अबाउ आंसर है नाउ ट्वेंटी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल ऑफ़ डिससेटिसफैक्शन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल ऑफ़ ऑटोनॉमी सो प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिसफैक्शन एथिक्स में प्रिंसिपल ऑफ डिसेटिसफैक्शन नहीं आता यूनिवर्सलिटी येस सब पर एप्लीकेबल है ह्यूमैनिटी येस वहाँ पर हम राइट और रॉन्ग देखते हैं ऑटोनॉमी यहाँ पर फ्रीडम होती है कि आपको परफॉर्म करना है एथिक्स या नहीं करना पर डिसटिस्फैक्शन जैसा नहीं होता डिससेटिसफैक्शन थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच है ठीक है ना विच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स कॉम्पिटिटर बिहेवियर्स सोसाइटी नॉम एंड वैल्यूज़ इंडिविजअल लाइफ एक्सपीरियंसिस इन्वायरमेंटल सिचुएशन सो आंसर आपको पता ही है कॉम्पिटिटर बिहेवियर्स है ना विच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मैनेजर का स्टैंडर्ड डेवलप होता है सोसाइटी के नॉम से इंडिविजअुल लाइफ एक्सपीरियंस से इन्वायरमेंटल सिचुएशन है ना कि कॉम्पिटिटर के बिहेवियर से कॉम्पिटिटर के बिहेवियर से तो हमें ये पता चलता है कि हम नेक्स्ट कौन सा मूव लें टूवर्ड्स बिजनेस डिसीजन नॉट कि हम डेवलपमेंट uh, कैसे करें मैनेजर का ठीक है तो ये कॉम्पिटिटर मूव बिजनेस राइवलरी में हेल्प करता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर नैरोअर तो इट इज़ ब्रॉडर ठीक है बड़ा कॉन्सेप्ट है मैंने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ाया था आपको याद हो तो ठीक है ना ट्वेंटी एट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी अ वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एथिकली एंड लीगली वेन अ मैनेजर ऑब्जर्व हज और बिहेवियर क्लोजली वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्टर माइनर कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्टर सब्सटेंशियल सो जब मैनेजर जो हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं ना बहुत ध्यान से तो वर्कर क्या करते हैं ऑटोमेटिकली एथिकली बिहेव करते हैं क्योंकि उसे पता है ऑल आइज़ आर ऑन हिम ठीक है गलत करेगा तो फायर हायर एंड फायर फायर पॉलिसी लग जाएगी उस पर ठीक है ट्वेंटी नाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी डैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड लीगल मैंडेट्स कैन हेल्प मीट द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन द एबसेंस ऑफ स्ट्रैटरी डिवाइज सोशल टूल कॉस्ट एंड कॉस्ट टूल एंड टेक्निक साइंस टूल तो स्टैटरी डिवाइसेज जब स्ट्रैटरी डिवाइेज जो नहीं होते हैं तो सी एस आर जो है वो लीगल मैंडेट से एक्सटेंड में जाके हेल्प करती सोसाइटी को ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ यू बिलीव इन मेकिंग डिसीजन फॉर द गुड ऑफ मोस्ट पीपल यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग विच ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट थॉटे यूटिलिटेरियनिज्म टेलियोलॉजी डिओंटोलॉजी इगोइज ठीक है तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए स्टूडेंट्स ये ना बनते नहीं है बाद में है ना और कई बार तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ये स्कूल ऑफ थॉट्स होते क्या हैं ठीक है तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन में लिखा है इफ़ यू बिलीव इन मेकिंग डिसीजन्स फॉर द गुड ऑफ मोस्ट पीपल यानी आप जो डिसीजन्स लेते हो आप ये भरोसा रखते हो कि आपके डिसीजन्स लोगों का भला करेंगे ठीक है यू कैन बी डिस्क्राइब आप कौन से स्कूल से बिलोंग करोगे तो यूटिलिटेरियनिज्म यानी आप किसी सोसाइटी के किसी सेगमेंट के लिए यूजफुल हो यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुल इकोइम नहीं हो सकता बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा ड्योन्टोलॉजी भी नहीं टेलियोलॉजी भी नहीं ठीक है तो ये स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग नहीं कर रहे ठीक है और यूटिलिटेरिज्म जो है वो आप इफ यू बिलीव इन मेकिंग डिसीजंस तो वो डिसीजन यूजफुल हैं लोगों के लिए है ना यूजफुल वर्ड याद रखना इस केस में ओके स्टूडेंट्स डैट सॉल्व फॉर द एम पार्ट मिलते हैं अगले सेशन में एंड अगला सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि हम उसमें करेंगे सी बी एस ई के पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन येस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन की बात कर रही हूँ मैं सो so, स्टूडेंट्स आप सभी हैं मैगन ब्रेन प्लेटफॉर्म पर इट इज इंडियाज ओनली एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्राम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ हम आपको तैयारी करवाते हैं सी बी एस ई बोर्ड की

फोर दी एग्जामिनेशन ताकि हमारी चाहे वो हिंदी मीडियम के सिक्स टू ट्वेल्थ के लेक्चर हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के किन्डर गार्डन सेक के लेक्चर हो नाउ अगर आपको ई नोट्स या ई बुस चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वन मोर थिंग हम आपको डी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी सो वाई नॉट शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल दम ऑल्सो द सेम थिंग्स एंड दीज आर आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स वेन एम यू क्लिक ऑन दीज द नेक्स्ट टाइम फॉलो मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो